ये देखिए कितनी अच्छी सूजी की बर्फी या फिर आप इसे सूजी की कतली भी कहते हो तैयार हुई है। बहुत ही पतली है साइडों से, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना इसे और बहुत ही अच्छी तैयार होती है, बहुत ही खस्ता है। महीनों तक स्टोर कर सकते हैं इसे और खा सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ों से झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज मैं आपको मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरी सी सूजी की कतली की रेसिपी देने जा रही हूँ, जिसे आप महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही कम चीज़ों से तैयार हो जाती है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है यहाँ पे इसका मेजरमेंट। तो आप किसी भी कटोरी या कप का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी मेजरमेंट के लिए, जिससे कि हम सूजी, पानी और चीनी को मापेंगे। तो मैंने एक कटोरी का इस्तेमाल किया है, सभी में उसी कटोरी का इस्तेमाल करूँगी मैं। तो मैं जिससे चीनी और सूजी मापूँगी उसी कटोरी से 2 कटोरी मैं यहाँ पर पानी लूँगी। 2 कटोरी पानी डालने के बाद सेम उसी कटोरी से मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी। हम यहाँ पे चाशनी तैयार करेंगे, इसके लिए 2 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी है, तो इसे ऐड कर दिया मैंने पानी में। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए। तो देखिए चीनी पूरी तरीके से इसमें घुल चुका है। अब हम इसमें एक तार आने तक इसे चलाते हुए इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो देखिए लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर चाशनी हो चुकी है बनकर तैयार। तो इसे चेक करने का एक तरीका है, इस तरह से चम्मच में थोड़ा सा लेंगे चाशनी को और थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इस तरह से उंगली की मदद से चेक करेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें एक तार बन रही है, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच वनस्पति घी का। आप चाहे तो वनस्पति घी की जगह पे देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अक्सर इसे वनस्पति घी में बनाती हूँ, इससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुकी है, अब उसी कटोरी से मापते हुए 1 कटोरी सूजी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, आप बारीक या मोटी कोई से भी ले सकते हैं। इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक कि सूजी का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है सूजी को, इसका भी ध्यान रखना है। लगातार ही चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो सूजी जल सकती है। तो लगभग 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए सूजी को भूनने पर आप देख सकते हैं सूजी का कलर कितना अच्छा सा गोल्डन सा आ गया है। तो ऐसा ही कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए इसका कलर। सूजी बहुत अच्छे से भून चुकी है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे फ्लेम को लो पे कर देंगे, सूजी को भूनना हम बंद करते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चाशनी जो हमने बना कर रखी थी। इसमें चाशनी ऐड करते ही इसमें बुलबुले से बनने लगेंगे, आप देख सकते हैं। तो लगातार इसे चलाते ही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चाशनी ऐड करने के बाद हम लगभग 2 मिनट तक और इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दे देती हूँ। अगर आपकी चाशनी एक तार से पतली बनती है तो ये अच्छे से सेट नहीं होगी, टूट जाएगी। और अगर एक तार से ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो हमारी कतली बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और बहुत अच्छा सा फ्लेवर चाहिए तो सूजी को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाशनी मिलाने के बाद इस स्टेज पे भी बहुत देर तक अगर आप इसे रखेंगे गैस पे तो भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल दांतों से टूटेगी भी नहीं, इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और सूजी में चाशनी मिलाने से पहले ही किसी भी प्लेट या ट्रे को अच्छे से ग्रीस करके रख लें जिसमें हमें इसे सेट करना है। मुझे उम्मीद है इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे आप भी तो आपकी सूजी की कतली या बर्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होगी, खस्ता तैयार होगी। तो 2 मिनट तक मैंने उसे चला लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक तवे को मैंने लिया है सेट करने के लिए सूजी की बर्फी को, और इसे मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है। आप यहाँ पे किसी भी बड़े प्लेट, थाल या फिर ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तवे को इसीलिए चूज़ किया क्योंकि ये नॉन स्टिक है, तो बहुत जल्दी से सूजी की कतली इसमें से डिमोल्ड हो जाती है
और ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी से सेट हो जाती है। तो सारा सूजी के हलवे को मैंने डाल लिया है तवे पे, इसे फैला लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी ये सेट होना स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ही क्विकली ये सब करें। इसे अच्छे से फ्लैट करने के बाद जो भी ड्राई फ्रूट आपको इसके ऊपर लगानी है उसे डाल देंगे ऊपर से और दबा देंगे किसी स्पैचुला की हेल्प से। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा बारीक कटा हुआ नारियल और थोड़ी सी किशमिश का यूज़ किया है, क्योंकि कतली में बहुत अच्छा लगता है नारियल का स्वाद। आप चाहे तो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट चुन सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी मैंने सारा प्रोसेस किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैमरा भी हैंडल करना है। डेट्स वाई ये थोड़ा सा जल्दी से सेट हो गया है, बट आप बहुत ही क्विकली करें तो देख सकते हैं बहुत सारे नारियल के पीसेस इसमें नहीं चिपके हैं। इतने में ही ये सेट हो गया है, अभी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो हम इसे फटाफट से शेप दे देंगे, यानी कि इसे कट कर लेंगे अपने मनचाहे शेप में। मैं इसे कतली के शेप में यानी कि बर्फी के शेप में कट कर रही हूँ, जिसे डायमंड शेप भी कहते हैं। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। तो ये कट करते के साथ ही सेट हो चुका है, अब हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। तो मैं इसके ऊपर से एक प्लेट रख दूंगी और इस तवे को इस पर उल्टा कर दूंगी, और अब आप देख सकते हैं ये कितने इजली से इसमें से डिमोल्ड हो गया है। तो ये तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। वाह, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बर्फी या फिर कतली सूजी की तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी है, पतली सी है और बहुत ही खूबसूरत है देखने में, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से बन चुकी है फटाफट से। आप इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और खा सकते हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता है, फटाफट से टूट रही है। तो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं उन्हें फॉलो करेंगे तो आपकी भी बर्फी इसी तरह की खस्ता तैयार होगी, जिसे बच्चे और बूढ़े भी आसानी से खा लेंगे। उम्मीद करती हूँ गाइज आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय गाइज, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।